नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत 9 खास तस्वीरों के साथ हम करने जा रहे हैं। एक एक करके वो तस्वीरें देखिए, इमरान खान और महमूद कुरैशी। मोदी की चिट्ठी पर पाकिस्तान का बड़ा झूठ सामने आया है। ये दो चेहरे इसीलिए आपको हम दिखा रहे हैं। महमूद कुरैशी, नए विदेश मंत्री ने मोदी की बधाई को बता दिया बातचीत का प्रस्ताव। अगली तस्वीर, बाजवा से झप्पी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है सिद्धू पर। बुरे फंसे हैं गुरु, पाकिस्तान प्रेम उन पर महंगा पड़ता दिख रहा है। उधर नीरव मोदी लंदन पहुंच चुका है, प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन बहुतेरे पेंच फंसे हुए हैं इस पूरे मामले पर। आगे विस्तार से देंगे हम आपको जानकारी। जाबिर से रिश्तों पर दाऊद का कबूलनामा, कुछ ही देर में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे ओम प्रकाश तिवारी की एबीपी न्यूज पर। उधर केरल की भयावह तस्वीरें, केरल में बाढ़ से 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है, 7 लाख लोग बेघर हैं। पानी उतर रहा है लेकिन चारों तरफ भयावह मंजर है। 15 साल पीछे जा चुका है ये राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने अलवर लिंचिंग मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी। और अब ये डिप्टी सीएम की तस्वीर उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा है कि संसद के रास्ते राम मंदिर निर्माण होगा। एक बार फिर से 2019 के पहले बीजेपी का रामलला हम जाएंगे। वनेश फोगाट, देश की बेटी ने हिंदुस्तान को दिया है नाज करने का मौका। एशियाड में गोल्ड जीतकर रच दिया है इतिहास। और अब आखिरी तस्वीर, नवी तस्वीर शेयर मार्केट की, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बाजार से ये बेहद अच्छी खबर सामने आई है। तो ये 9 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और अब बात करेंगे उस तस्वीर की जिसके जरिए मास्टर स्ट्रोक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, मिशन इम्पॉसिबल। स्क्रीन पर मिशन इम्पॉसिबल, अपनी वॉल का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि आज की सभी बड़ी खबरें इसी ओर इशारा करती हैं। एक एक कर हर बड़ी खबर इससे जुड़ती जाएगी तो आप समझते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद का खास सिपहसालार जाबिर मोती लंदन में पकड़ा गया। भारतीय जांच एजेंसियों की एक टीम जाबिर से पूछताछ करने लंदन जाने की तैयारी कर रही है। एबीपी न्यूज आज आपके सामने वो सबूत रखेगा जिसमें दाऊद खुद अपनी आवाज में जाबिर मोती से अपनी करीबी का खुलासा करेगा। संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हेलो 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 जी, दाऊद बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। जी मैं सलीम मद्रास का बेटा बात कर रहा हूँ। अयूब नाम है मेरा, मद्रास चलिए, मद्रास मद्रास ज्वेलर्स वाले, मद्रास ज्वेलर का जी। अच्छा बोले। इस ऑडियो क्लिप में आपने जो दो आवाजें सुनी उनमें से एक उसी दाऊद इब्राहिम की है जो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है और जिसकी तलाश भारतीय खुफिया एजेंसियों को है। हेलो 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 जी, दाऊद बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। जी दाऊद की ये पूरी बातचीत सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि उसका बेहद करीबी और दुबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों में डी कंपनी के पैसों का लेन देन देखने वाला जाबिर मोती लंदन में पकड़ा गया है। ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जब लंदन के हिल्टन होटल से जाबिर को हिरासत में लिया तो उसके पास से उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिला। जाबिर ने शुरुआती पूछताछ में लंदन पुलिस को बताया कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लंदन पुलिस जाबिर से ड्रग्स और कुछ बड़ी संदेहास्पद रकमों को इधर से उधर करने के मामले में पूछताछ कर रही है। इसी दौरान उसे पता चला कि जाबिर दाऊद का खसम खास है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जाबिर ने अपने तमाम दूसरे धंधों का जिक्र कर लंदन पुलिस के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि उसका दाऊद के गैर कानूनी धंधों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज के पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि जाबिर पिछले काफी समय से दाऊद का सबसे खास आदमी बन चुका है और ये बात आप खुद दाऊद के मुंह से सुनेंगे। जाबिर मोती के बारे में दाऊद का जो कबूलनामा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आज का नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाऊद ने कबूलनामा आज किया है, बल्कि जांच एजेंसियों को दाऊद की आवाज 3 साल पहले तब मिली थी जब जाबिर मोती से परेशान दुबई का एक बड़ा ज्वेलर इंसाफ मांगने दाऊद की शरण में पहुंचा था। मेरे को आपसे थोड़ी हेल्प ये चाहिए, मेरा जाबिर मोती के साथ में ना बिजनेस था और अभी वो बंद हो गया और वो उसने मेरे को ऐसा फंसा दिया है कि मैं
दुबई भी नहीं जा सकता और कराची भी नहीं जा सकता, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए ताकि मेरी जाबिर से जान छूट जाए। यार अभी तो मेरी तबीयत खुद सही नहीं है, आप सोचोगे तो जाबिर से जान छूटेगी, इस तरह तो नहीं छूटेगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे इसकी वजह से नुकसान हुआ, ये सारा नुकसान मेरे ऊपर डाल रहा है। तो आप लोगों ने किया है, किस तरह किया है, मुझे तो मालूम नहीं है। हमने डायमंड की फैक्ट्री लगाई थी, जाबिर ने और मैंने दोनों ने पार्टनरशिप के अंदर, जाबिर मेरे को कहता रहा कि दुबई के अंदर, और जाबिर मेरे को कहता रहा पैसे नहीं देता था और कहता था बहुत अच्छी बना लो और ये कर लो वो कर लो मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा। मैंने लोगों से पैसे उधार लेके पूरी फैक्ट्री बनाई और इसको बताया भाई 45 लाख दरम खर्चा आया फैक्ट्री में, 17.5 लाख दरम मैंने डाले और 4 लाख तुमने दिए थे, बाकी बाजार से पैसे उधार। देखो ये टेलीफोन पे बातें नहीं होती है जी, आप आ जाओ फिर देखेंगे। सुना आपने, अयूब मद्रासी सीधे तौर पर दाऊद से शिकायत कर रहा है कि जाबिर ने उससे करोड़ों रुपए की डायमंड फैक्ट्री बनवा ली और अब पैसे देने के नाम पर नानुकुर कर रहा है। लेकिन दाऊद अयूब मद्रासी की मदद की जगह सीधे तौर पर जाबिर की मदद करता हुआ नजर आ रहा है और उसका साफ तौर पर इशारा है कि उसके आदमी के खिलाफ सुनवाई दुबई की किसी कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि उसके दरबार में होगी। लेकिन दाऊद का ये सिपहसालार अब लंदन पुलिस के कब्जे में आ चुका है। जाबिर मोती पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके पास लंदन का 10 साल का वीजा है। जाबिर दाऊद की डी कंपनी का हिसाब किताब देखता है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल मिर्ची की मौत के बाद दाऊद ने ही उसे लंदन भेजा और लंदन में ड्रग्स का सारा काम संभालने का जिम्मा दे दिया। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि जाबिर को फिलहाल भारत लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे होंगे कि आखिर दाऊद है कहां और उसके नापाक इरादे क्या हैं। यही कारण है कि भारतीय जांच एजेंसियां लगातार लंदन पुलिस के संपर्क में हैं और वहां से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों की एक टीम जाबिर से पूछताछ करने के लिए लंदन जाएगी। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दाऊद इब्राहिम क्या भारत की पकड़ में आ पाएगा या फिर ये मिशन इम्पॉसिबल है? फिलहाल आपको बताएं, दाऊद के गुर्गे जाबिर मोती के पकड़े जाने से न सिर्फ दाऊद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं बल्कि भारत में मौजूद कई सफेदपोश भी बेनकाब हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जाबिर डी कंपनी की तरफ से सफेदपोश लोगों के काले धन को विदेश भिजवाने का धंधा भी संभालता था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ऐसे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपकर डी कंपनी का काला कारोबार चला रहा है तो उसका गुर्गा जाबिर मोती लंदन में बैठकर सफेदपोश लोगों के काले धन को सफेद करने के धंधे में लगा था और इसी के सबूत हैं ये दस्तावेज। खुफिया एजेंसियों के इस दस्तावेज की पहली ही लाइन में जाबिर मोती का नाम लिखा है और जिक्र है साल 2012 में हुए पैसों के एक लेन देन का। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ भारतीय सफेदपोशों का ये पैसा बड़े हजरत की टीम ने हवाला के जरिए विदेश भिजवाया था और इस ट्रांजैक्शन के बदले बाकायदा रकम वसूल की थी। इस दस्तावेज में जिस बड़े हजरत का नाम आया है वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ही है। इस दस्तावेज में लिखा है कनाडा और पनामा में पैसा जमा हुआ। साल 2012 में दाऊद के लोगों ने भारत से पैसा निकाला, कुल 45 बाहर भेजा गया और इस पैसे को विदेश भेजने के नाम पर 5 वसूल किए गए। इस काले धन को सफेद होकर वापस भारत आना था लेकिन पैसा विदेशी खाते में फंस गया। साल 2015 में इस पैसे को निकालने के लिए भारत से 2 आदमी भी पनामा और कनाडा भेजे गए लेकिन पैसा नहीं निकला। भारतीय जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि ये पैसा किन भारतीय सफेद पोशों का था, ये पैसा आखिर था कितना और विदेशों से निकलने के बाद ये पैसा गया कहां? इन सवालों के सही और सटीक जवाब जाबिर ही दे सकता है। यही कारण है कि जाबिर की गिरफ्तारी के बाद कई भारतीय सफेदपोशों की नींद उड़ी हुई है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बेनकाब होंगे क्या सफेदपोश? लेकिन कब, कैसे और इसके लिए सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जाएंगी, इसी पर बातचीत के लिए ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। ओम प्रकाश, सीधा सा सवाल, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए?
चित्रा, ये कहने में कोई चूक नहीं है कि ये एक बड़ी कामयाबी है जाबिर मोती का दिल्ली लंदन में पकड़ा जाना, क्योंकि जाबिर मोती वो शख्स है जो आज की डेट में ये बता सकता है दाऊद कहाँ है, उसके क्या इरादे हैं, उसके उसकी संपत्तियां कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वही वो शख्स है, जाबिर मोती वो शख्स है जो दाऊद का सारा फाइनेंशियल काम देख रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दाऊद की जो फैमिली है उसको कहाँ पर कब शिफ्ट कराना है, उनको कहाँ पर कितनी आर्थिक मदद देनी है, तमाम काम जाबिर मोती कर रहा था। लेकिन जाबिर मोती की इस गिरफ्तारी के साथ ही ये साफ नहीं हुआ है कि उसे भारत लाया जा सकता है। चित्रा, किस तरह के पेच हो सकते हैं इसमें, भारत उसे क्यों नहीं लाया जा सकता, या किस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं? ओम प्रकाश, चित्रा, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जाबिर मोती ने जो वहां पर डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उसके मुताबिक वो पाकिस्तान का नागरिक है, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो कि जाबिर मोती के खिलाफ भारत में अभी, भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा भारत में दर्ज है, यानी भारत की तरफ से कोई एक्सट्राडिशन नोटिस या कोई रेड कॉर्नर नोटिस जाबिर मोती के खिलाफ नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भारत अपने ही जो अपने यहाँ के जो नागरिक हैं, जो फरार नागरिक हैं, उनको ही लंदन से लाने में कामयाब नहीं रहा है फिलहाल अभी तक, तो लंदन से एक पाकिस्तानी का को वो किस तरह से ला पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लिहाजा ये तमाम ऐसे पेच हैं जो आने वाले समय में भारत सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन हाँ, दाऊद के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ है और उसके नापाक इरादे क्या है। चित्रा, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस शख्स यानी कि जाबिर मोती के जरिए कम से कम यह साफ हो जाएगा कि दाऊद कहां है, किस हालत में है, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ क्या सोच रखता है, आगे उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। यही तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश भारत में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो करने की कोशिशों में सालों से लगी हुई हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।